साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, ये कल भी आपने पढ़ा था जब एमसीक्यूज में आया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करता है, ठीक है, तो वाइब्रेटिंग बॉडी से साउंड प्रोड्यूस होती है। और मीडियम क्या होती है, मीडियम एयर होती है, ठीक है, जो साउंड वेव्स को ट्रेवल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाती है। आंसर इज साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होती है, तरंगे उठती है, ठीक है, तो साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट इज डिफाइन द टर्म्स फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी देखिए, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड मेड इन वन सेकेंड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, मीन्स कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की जितनी संख्या है, नंबर्स है, किसमें पर सेकेंड के अंदर, एक सेकेंड के अंदर जितनी भी वाइब्रेशन की क्वांटिटी, नंबर, संख्या होती है, मेड इन वन सेकेंड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। एक वाइब्रेटिंग बॉडी एक सेकेंड के अंदर, ठीक है, क्या जितनी भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। हायर साउंड हायर फ्रीक्वेंसी, लोअर साउंड लोअर फ्रीक्वेंसी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है, ये हम इस तरीके से फ्रीक्वेंसी को मेजर कर रहे हैं, तो ये क्या है, हायर साउंड। साउंड ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, साउंड लोअर होगी तो फ्रीक्वेंसी भी लोअर होगी, ठीक है। तो एक पर सेकेंड में जितनी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होते के द्वारा जितनी भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस की जाती है वो इसको मीजर करने का जो है वो हम हर्ट्ज, ठीक है, इट इज मीजर्ड इन हर्ट्ज, हर्ट्ज में इसको हम मीजर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी और एनी वन साइड ऑफ द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होती है वाइब्रेटिंग बॉडी की वो उसकी एम्पलीट्यूड कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पेंडुलम को, ठीक है, पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम देखा है ना सबने जो वाइब्रेट करता है, ठीक है, ये इसकी जो ओ है ये इसकी मीन पोजीशन है, ये अपनी मीन पोजीशन से वाइब्रेट करके जाता है। जैसे एक बजे तो एक बार हमें साउंड सुनाई देगी, 12 बजे तो 12 साउंड सुनाई देगी, ठीक है, तो अपनी मीन पोजीशन से जितना ये टू एंड फ्रो मोशन करता है, समझ में आ गई, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर टू एंड फ्रो मोशन जो होता है वो उसका एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है साउंड इन सम मीडियम टू ट्रेवल। साउंड को मीडियम की जरूरत होती है ट्रेवल करने के लिए। सजेस्ट अ रीजन, एक रीजन बताइए, कैन साउंड ट्रेवल इन वैक्यूम, क्या साउंड जो है वैक्यूम में चलती है। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, साउंड को एक मीडियम की जरूरत होती है चलने के लिए, ठीक है, एज इट इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, क्योंकि वाइब्रेटिंग बॉडी के थ्रू प्रोड्यूस होती है, जैसा कि अभी आपने पढ़ा है, ठीक है। अब ये दरवाजा है, ठीक है, मान लो हम एक एग्जाम्पल लेते डोर का, इसमें से कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही, जैसे हम इसको पीटेंगे हैमर से, अपने हाथों से कुछ भी करेंगे तो इसमें वाइब्रेशन होंगी और वाइब्रेशन जो है साउंड को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू, वाइब्रेशन के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और उसको मीडियम की जरूरत होती है। अब क्या है, बट साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, जो साउंड है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है, क्यों नहीं करती, एज देयर इज नथिंग नॉट इवन एयर, क्योंकि वहां पर कुछ भी नहीं होता, यहां तक कि एयर भी नहीं होती। कल भी मैंने आपको बताया था वैक्यूम ऐसी जगह होती है जहां पर एयर नहीं होती है, ठीक है, अगर हम वैक्यूम प्लेस पे चले जाएंगे तो क्या होगा, एयर ना होने की वजह से क्या होगा, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो हम उस प्लेस पर नहीं रह सकते। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको मून बताया था, एस्ट्रोनॉट जब मून पर जाते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर जो उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करती है, क्योंकि जब मून के सरफेस पर जाते हैं वहां पर ऑक्सीजन नहीं होती है, जिसकी वजह से साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होती है, ठीक है। तो आपने वैक्यूम क्लीनर, एक छोटा सा एग्जांपल घर में देख लीजिए, वैक्यूम क्लीनर देखे होंगे क्या होते हैं, उससे हम डस्टिंग करते हैं, सफाई करते हैं कर्टेंस की, सोफाज की,
और कंप्यूटर्स की, टीवी स्क्रीन की, सबकी क्या करते हैं, जब हम उसको ऑन करते हैं तो उस प्लेस की सारी एयर को सब कर लेता है, अपने अंदर ले जाता है। तो जो उसके साथ जो एयर के अंदर डस्ट डर्ट जम्स होते हैं वो सारे वैक्यूम क्लीनर के अंदर चले जाते हैं, वो प्लेस जो है बिल्कुल क्लीन हो जाता है। ठीक है, तो वैक्यूम क्लीनर के थ्रू घर की सफाई करना, समझ में आ गई। तो एग्जाम्पल तो आपको इजीली घरों में देखा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाई डज द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड द थिकनेस ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। की जो पिच है, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करती है, जो पिच की साउंड होती है स्ट्रिंग की लेंथ और थिकनेस पर कैसे डिपेंड करती है। आंसर इज पिच ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन फर्स्ट आंसर है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ, स्मॉलर द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग हायर द पिच। अगर वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग छोटा होगा उसकी जो पिच होगी उतनी ही हाई होगी। ठीक है, जेंट्स है, लेडीज है और बेबीज है, बेबीज की पिच सबसे ज्यादा होती है, लेडीज की उससे थोड़ी कम और जेंट्स की टोटली कम होती है। ठीक है, तो अब बच्चा छोटा है, छोटे की ज्यादा पिच आ रही है ना, ठीक है, तो सेम बात आ रही है ना, स्ट्रिंग जितना छोटा है पिच उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, समझ आ गई। ठीक है, सेकेंड आती है द थिकनेस, थिकनेस क्या है, द थिकनेस ऑफ द स्ट्रिंग प्रोड्यूसेस अ हाई पिच साउंड, थिनर स्ट्रिंग, जितना पतला स्ट्रिंग होता है, ठीक है, थिकनेस पे डिपेंड करती है, एक मोटा हुआ और एक पतला, पतला जो स्ट्रिंग होता है वो उतनी ही ज्यादा पिच वाली साउंड को प्रोड्यूस करता है, उसकी साउंड भी उतनी ही ज्यादा होगी, समझ आ रही है। वैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, वो स्ट्रिंग का नहीं है, पिच का नहीं है, चलने का ही ले लो, एक हेल्दी पर्सन है और एक क्या कहते हैं पतला सा, एक थोड़ा फैटी है और एक थिन पर्सन है, अब दोनों की आप रेस लगाएंगे तो कौन जल्दी चलेगा, नेचुरल है जो पतला है ना वो चलेगा, मोटे वाला थोड़ा धीरे चलेगा, हो सकता है कोई एक्सेप्शनल केसेस आर एवरीवेयर, एक्सेप्शनल केसेस सब जगह, कई बार जो है फैटी पर्सन होते हैं वो थिन पर्सन से ज्यादा जल्दी दौड़ लेते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में, ठीक है, तो सेम बात इसमें आ जाती है, जितना थिनर स्ट्रिंग होगा उसकी जो पिच होगी उतनी ही तेज होगी, हाई होगी। ठीक है, समझ आए बच्चों ये वाले आपको। ठीक नंबर ऑफ ऑसिलेशन 12 होगी, टाइम कितना हो गया 4 सेकंड है हमारे पास। ठीक है,
लाउडनेस कि इसका डिफरेंस क्या है, इस लाउडनेस का डिफरेंस आने का कारण क्या है। द लाउडनेस ऑफ नॉइस रोर इज मच ग्रेटर देन अ बर्ड चिल। आगे अब क्योंकि एज लाउडनेस डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, क्योंकि जो लाउडनेस होती है वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, जिसकी वजह से नॉइज की जो साउंड है वो तेज आवाज सुनाई देती है उसकी कम होती है। नेक्स्ट वेल्थी शेक आवर हैंड्स, जब हम अपने हाथों को शेक करते हैं ठीक है, इट आगे क्या इट डिस्टर्ब आर एयर पार्टिकल्स, वो एयर पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करते हैं एंड वाइब्रेट, और वाइब्रेट करते हैं उनको। बट वी डू नॉट हियर दिस वाई, लेकिन हम उसको सुन नहीं सकते। जब हम अपने हाथों को शेक करते हैं एयर पार्टिकल्स क्या कहते हैं वाइब्रेट करते हैं, लेकिन उनकी साउंड हमें सुनाई नहीं देती है। क्वेश्चन ये है, समझ आ रहा है क्वेश्चन, तो क्या कारण है। वी डू नॉट हियर द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, हम एयर पार्टिकल्स की वाइब्रेशन को सुन नहीं सकते हैं क्योंकि प्रोड्यूस बाय शेकिंग हैंड्स को शेक करने के बाद, बिकॉज क्योंकि देयर फ्रीक्वेंसी इज वेरी लो विच इज इनऑडिबल, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है जो हमारे लिए इनऑडिबल साउंड में कन्वर्ट हो जाती है। आपने आपको पता है 20 हर्ट्ज़ to 20,000 हर्ट्ज़ तक की जो फ्रीक्वेंसी है इसके बीच की वो हम सुनते हैं, इससे नीचे की नहीं सुन सकते और इससे ऊपर की हम नहीं सुन सकते, इनके बिटवीन सुन सकते हैं ना इसीलिए। तो क्या होती है जो वो फ्रीक्वेंसी जो है शेकिंग हैंड्स की एयर पार्टिकल्स की वो बहुत कम है जो हमारे को सुनाई नहीं देती, हमारे लिए इनऑडिबल है, इस वजह से हम उस साउंड को नहीं सुन पाते। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों। नाउ बच्चों पार्ट एफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन के सोर्सेज क्या होते हैं, लिस्ट द हार्मफुल इफेक्ट्स और इसके द्वारा होने वाले नुकसानदेह प्रभाव वो बताइए, द स्टेप्स टू प्रिवेंट नॉइस पोल्यूशन और कुछ स्टेप्स बताइए जिसके थ्रू हम नॉइस पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं आंसर में बच्चों, नॉइस पोल्यूशन प्रेजेंस ऑफ अनप्लीजेंट डिस्कार्टेड लाउड साउंड इन एटमोस्फियर, एटमोस्फियर में जो कानों को अप्रिय लगने वाली अनप्लीजेंट साउंड होती है ठीक है, लाउड साउंड उनको हम नॉइस कहते हैं। आप खुद देखते हो आप किसी ऐसे एरिया में बाइक से चले गए जहाँ पे चारों तरफ इंडस्ट्रीज हैं, उनकी मशीन्स की बहुत ज्यादा आवाज आती है तो जो सुनने में हमें अच्छी नहीं लगती है। या कई बार आप ट्रैफिक में फंस गए हैं तो वहां पर हॉर्न पे और लोग कई लोगों को आदत होती है बजाते रहते हैं ठीक है, वो हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता ठीक है। या आप क्लासरूम में जब टीचर बाइक से नहीं है और या पीरियड ऑफ हुआ है, एक टीचर गई दूसरी टीचर आई, आप सभी कितना शोर करते हो, तो वो चीजें जो आती है सारी नॉइस में कन्वर्ट हो जाती है ठीक है। तो जो अनप्लीजेंट साउंड्स होती हैं वो नॉइस होती है और जो एटमॉस्फेयर में ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है नॉइस पोल्यूशन की फॉर्म में आ जाती है। अब क्या है कॉजेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन, इनके कारण क्या है। साउंड प्रोड्यूस बाय एयरक्राफ्ट जितने भी कौन एयर व्हीकल्स हैं, जैसे हेलीकॉप्टर की आवाज हुई, एरोप्लेन पास से जा रहा है उसकी आवाज हुई ठीक है, तो उनकी आवाज जो है नॉइस पोल्यूशन होती है में आती है। मशीन्स जितनी भी मशीन्स साउंड प्रोड्यूस करती है, लाउड स्पीकर्स आपने देखा होगा कहीं गैदरिंग हो रही है, कोई नेताजी आए हैं, कोई फंक्शन है शादी का, या कहीं पर स्पीच हो रही है, या स्कूल में भी प्रोग्राम होते हैं तो हम लाउड स्पीकर का यूज करते हैं, वो भी नॉइस पोल्यूशन में ही आता है। ब्लारिंग ऑफ लाउड म्यूजिक, कई लोगों को बहुत तेज आवाज में म्यूजिक सुनने की आदत होती है ना, कई लोग अपने घर में भी चलाते हैं, गाड़ियों में भी चलाते हैं, खूब तेज चलाते हैं लाउडली, तो वो नॉइस में ही आती है। हॉर्न ऑफ व्हीकल्स का हॉर्न बजाना, कई लोगों को आदत होती है म्यूजिक में हॉर्न बजाते रहना, चाहे रोड क्लियर है तो भी वो हॉर्न बजाते हैं, या ट्रैफिक में फंस गए तो आगे का ट्रैफिक क्लियर होगा तभी तो पीछे वाला आएगा, आगे वाला निकलेगा तभी तो वो पीछे वाले को आगे जाने देगा, तो लोगों को आदत है हॉर्न में हॉर्न बजाने की, तो ये सारी चीजें नॉइस पोल्यूशन में होती हैं और जो हमारे को सुनने में अच्छी नहीं लगती है। अब प्रिवेंशन ऑफ नॉइस पोल्यूशन,
हम इसको दूर कैसे कर सकते हैं, कुछ तरीके हैं हम कंट्रोल कर सकते हैं उन चीजों को जिससे नॉइस पोल्यूशन नहीं हो। जैसे व्हीकल शुड बी फिटेड विद बेटर साइलेंसर, व्हीकल्स के अंदर अच्छे साइलेंसर होने चाहिए जो खराब ना हो, साइलेंसर से क्या है वो नॉइस पोल्यूशन नहीं होता। इंडस्ट्रीज मस्ट बी बिल्ड अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया, जो रेजिडेंशियल एरिया है, फैक्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रीज जो है, रेजिडेंशियल एरिया से दूर होने चाहिए। अब ये थोड़ी ना कि हम इनको बंद कर दें, फैक्ट्रीज को इंडस्ट्रीज को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी बेसिक नीड्स है उन्हीं पे डिपेंड होती है। सुबह से शाम तक आप देखो हम कितनी चीजें यूज करते हैं और सारी चीजें के लिए हम इन सब चीजों पे डिपेंड करते हैं, तो हम इनको बंद नहीं कर सकते लेकिन रेजिडेंशियल एरिया से दूर बना सकते हैं। यूज ऑफ लाउड स्पीकर शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, जो लाउड स्पीकर का यूज है उस पर भी बैन लगाना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, ठीक है। ब्लारिंग ऑफ हॉर्न्स शुड बी रेस्ट्रिक्टेड नियर स्कूल्स और हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और हॉस्पिटल के पास हॉर्न को तेज से बार बार बजाना उस पर भी रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। क्यों स्कूल्स के पास, क्यों बच्चे पढ़ रहे हैं डिस्टर्बेंस होगी, हॉस्पिटल में पेशेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी बीमार हैं, ठीक है, तो अगर उनको नॉइस की इस तरीके का शोर सुनाई देगा तो उनको प्रॉब्लम आएगी तो वो और ज्यादा बीमार होंगे। ब्लारिंग ऑफ म्यूजिक इन व्हीकल शुड बी बैन, व्हीकल्स के अंदर म्यूजिक को चलाना बैन होना चाहिए। आपने देखा होगा कई गाड़ी वाले होते हैं, व्हीकल्स वाले होते हैं, ठीक है आप जा रहे हैं आप एंजॉय कर रहे हैं लेकिन म्यूजिक थोड़ा कम भी चला सकते हैं। नहीं, कई लोगों को आदत होती है व्हीकल चला रहे हैं और बहुत तेज लाउडली म्यूजिक अपने व्हीकल में गाड़ियों में चलाते हैं तो आसपास के लोगों को परेशानी होती है। तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं जिससे हम नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं और ये कंट्रोल करना हमारे हाथ में, हम म्यूजिक चला रहे हैं धीरे चला रहे हैं, जरूरी नहीं हमें तेज चलाना है, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि हम बार बार हॉर्न बजाए, समझ आ रही है ना। तो ये सब चीजें हमारे हाथ में ही है तो ये चीजों को हम यूज करके मतलब तरीके अपनाकर इसको खत्म कर सकते हैं, कुछ हद तक कम भी कर सकते हैं। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर टू ऑफ पार्ट ए, लिस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन म्यूजिकल एंड म्यूजिकल साउंड्स एंड नॉइस, कि नॉइस और म्यूजिकल साउंड्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। फर्स्ट बारे में जानना है।
ठीक है। तो बच्चों ये डायग्राम है आपका ह्यूमन ईयर का, इजी में बना दिया है, बुक में थोड़ा बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, आप कहीं पर भी देखोगे कॉम्प्लिकेटेड है, इजी वे में आपको बनाना भी आसान होगा और समझना भी आसान होगा, ठीक है। सबसे पहले ये हमारा आउटर ईयर आ जाता है, जो ये कान का पोर्शन हमारा नजर आ रहा है ना हमें आपको, ठीक है, बाहर, तो ये हमारा आउटर ईयर है जिसको हम पिना बोलते हैं, ठीक है। पिना कोलेक्ट साउंड वेव, ये पोर्शन जो हमारा क्या काम है यहाँ अंदर तक कि साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, जो भी साउंड हमारे चारों तरफ प्रोड्यूस हो रही है वो हमें आप सुनाई दे रही है, ठीक है। तो पीना का फंक्शन होता है उन साउंड वेव्स को कलेक्ट करना और अंदर की तरफ सेंड करना, भेजना, ठीक है। आप कान में वो डालते हो क्या, पिन वगैरह पॉइंटेड डाल देते, मना किया जाता है ईयरबड्स वगैरह यूज करो, पॉइंटेड चीज नहीं यूज करो, क्योंकि क्या, इसलिए जस्ट पीना के बाद जो है हमारा ईयर ड्रम होता है, ठीक है, एक बिल्कुल थिन मेम्ब्रेन होती है, बहुत ही डेलिकेट थिन मेम्ब्रेन होती है। अगर बाय चांस कोई पॉइंटेड चीज जो आपने कान में डाली है, आपको इरिटेशन हो रही है कोई चीज रिमूव करने के लिए, और ईयर ड्रम पर थोड़ा तेजी से अगर लग जाती है, तो ये जो कान का पर्दा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं फट सकता है, टूट सकता है, इसके अंदर स्क्रैचेस आ सकते हैं, तो जिसकी वजह से क्या है, कान के अंदर वाले पोर्शन में जो लिक्विड है एक प्रकार का जो हमारे इकट्ठा होता है वो निकलता है और सुनाई देना बंद हो जाता है, क्योंकि जो ईयर ड्रम्स है वाइब्रेशंस को कलेक्ट करके सेंड करता है, इसके ऊपर स्ट्रक करता है, जैसे आप ढोलक बजा रहे हैं मेम्ब्रेन के ऊपर स्ट्रक करते हो ना हाथों से किसी चीज से, इसी तरीके से वाइब्रेशंस इसके ऊपर स्ट्रक करती है जो अंदर की तरफ सेंड करता है, ठीक है। तो पीना का फंक्शन होता है कनेक्ट करना, ईयर ड्रम तक सेंड करना, ईयर ड्रम जो है वाइब्रेट करता है, उसके ऊपर मेम्ब्रेन के ऊपर वाइब्रेशन होती है और फिर ये साउंड को अंदर भेजता है, और ये ड्रम यहाँ तक हमारा आउटर ईयर होता है और अब हमारा मिडिल ईयर स्टार्ट हो गया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और इस ये यूस्टेन चेन है, इसके अंदर तीन क्या कहते हैं बोन्स होती है, एक होता है हैमर, एक होता है एनविल और एक होती है स्टीरप। स्टीरप जो है कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है, सबसे छोटी है बॉडी की भी और कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, बोन होती है, थ्री बोन्स पाई जाती है। हैमर को हिंदी में क्या कहते हैं, हथौड़ा, हथौड़ा कहते हैं ना, तो क्या होता है जब हम हथौड़े से किसी चीज को पीटते हैं तो क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है ना, तो यहाँ पर भी हैमर का यही काम है, ठीक है। जब वाइब्रेशन होती है ये स्ट्रक करता है तो साउंड वाइब्रेशन जो है प्रोड्यूस होती है और साउंड प्रोड्यूस करने में वाइब्रेशन को आगे ट्रेवल करने में प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो साउंड है मिडिल ईयर से होती हुई यहाँ इनर ईयर की तरफ जाती है, ये सारी साउंड वेव्स को इनर ईयर तक सेंड करने में हेल्प करते हैं, मिडिल ईयर से इनर ईयर तक, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इनर ईयर के अंदर जो है ऑडिटरी नर्व्स है, ऑडिटरी नर्व्स मीन जो सुनने वाली नर्व्स होती है जिनसे हम सुन सकते हैं, ऑडिटरी नर्व्स सेंड सिग्नल टू द ब्रेन। इनका क्या फंक्शन होता है, जो भी वो कैप्चर कर रही है साउंड को, जो सिग्नल साउंड को कैप्चर कर रही है उनको सारा ब्रेन तक सेंड करना, ठीक है। ब्रेन क्या होता है, एक्टिव हो जाता है जैसे कोई साउंड ऑडिटरी नर्व से जाती है, तो क्या करते हैं, कैसे जाती है, यहाँ पर एक लिक्विड हेयर के अंदर लिक्विड फिल्ड होता है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, जिसको हम कोकिला बोलते हैं, जो साउंड वेव्स को ऑडिटरी नर्व से ब्रेन तक सेंड करने में हेल्प करता है, फिर सारे साउंड्स को ब्रेन कैप्चर करता है, ठीक है, सुनता है, कलेक्ट करता है, उसके बाद फिर वापस ऑडिटरी नर्व तक सेंड करता है, जिसकी वजह से हमें कोई भी साउंड सुनाई देती है, ठीक है। तो हम डिफरेंट साउंड्स को सुन पाते हैं इस तरीके से, समझ आ गई बच्चों। तो कहने का क्या मतलब है, पीना कलेक्ट करता है, यहाँ पर ड्रम है जो वाइब्रेट करता है, हैमर उसकी हेल्प करता है, स्टीरप और एनविल भी तीन छोटी बोन्स है जो मिडिल ईयर के अंदर पाई जाती है, ये सारे साउंड्स को ट्रेवल करके कहाँ तक पहुंचाती है, कोकिला तक। कोकिला में क्या कहते हैं, हेयर फिल्ड लिक्विड होता है, हेयर्स होते हैं और फिल्ड लिक्विड होता है जो ऑडिटरी नर्व्स की तक की सारी साउंड इनको कैप्चर करता है, ब्रेन तक सिग्नल भेजता है, ब्रेन उन सिग्नल को अपने पास सुनता है, वापस यहाँ पर सेंड करता है, इस तरीके से हमें साउंड सुनाई देती है।
समझ आ गई। तो ये हमारा आउटर मिडल और इनर ईयर और ये इनका फंक्शन है, बिल्कुल इजी वे में बनाया हुआ है, इजी वे में मैंने आपको समझाया है, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आज